John, really good to see you. You know, after Madras Cafe, जी जितना भी फिल्म के बारे में मन में जितना भी वक्त तक आओ मैं कहीं ना कहीं इस बात अटल जी की अपने आप याद दिलाता है. Do you agree with this? No, I think it's an entertaining film. Atalji was one of the greatest prime ministers we had. Lekin this is a film. It has to be entertaining. Hum log na to political hai, na kuch hum log dikha rahe hai is film mein, which is overtly political. Hum log yehi koshish kar rahe hai ki ek entertaining film banaye. So, Parmanu is a very entertaining film, but a true subject that happened, a true story that happened in India. Well, you know, ye kaise idea hai ki isi mudde pe Madras Cafe ki baat kar usko bahut tareef आई थिंक ये सब्जेक्ट जो प्रेरणा और अर्जुन के पास आया था उस टाइम पे ये तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने वो स्टोरी को सुना, हमने इन हाउस इसको डिवेलप किया एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट. जिस तरीके से स्क्रिप्ट फाइनली लेआउट हुआ हमें बहुत अच्छा लगा एंड आई थिंक वी आर वेरी केयरफुल ऑन सेलेक्टिंग ओनली गुड स्क्रिप्ट, क्योंकि आज के तारीख में ऑडियंस सिर्फ कॉन्टेंट देखती है. They don't see stars, they don't see proposals, they want good stories. Of course, I think so. I think he's a visionary, he had a great vision and unke wajah se agar aap India shining ki baat kare aaj, I think it's because of him. Jai Jawan, Jai Vigyan. Hamare army personnel ko aur hamare scientists ko hum credit dena chahte hain ye Parmanu Parikshan ke liye and I think they are responsible for the superpower that India is today. जॉन के साथ हम ऑलरेडी कोलैबोरेट कर चुके थे और हम उनके साथ एक काम करने का हमारा सिलसिला शुरू हो चुका था और हम ढूंढ रहे थे कि जॉन के साथ हम कैसी फिल्म बना सकें, बिकॉज ये बहुत पर्टिकुलर हैं, बहुत चूजी हैं और ये फिल्म के बारे में इन्होंने जिक्र काफ़ी बार किया था कि उनको ये सब्जेक्ट पे डेफिनेटली फिल्म बनानी है. अचानक उसी टाइम पे हमें डायरेक्टर से हमारी मुलाकात हुई इनके लिए ही, तो जो सब्जेक्ट लेकर आए हैं वो जॉन के उनके भी माइंड में जॉन ही थे और हमारे माइंड में भी एग्जैक्टली उस मोमेंट पर आया कि हम जॉन को बताएं कि ये फिल्म आई है और क्या हमें बना सकते हैं. इमीडिएटली उन्होंने एक्सेप्ट किया स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, स्टोरी पढ़ने के बाद, एंड देन फिर जॉन ने पूरी फिल्म इन हाउस डेवलप कराई है टीम ऑफ राइटर्स के साथ, पूरी टीम को लेकर. आई थिंक फिर बहुत बड़ा यू नो इवेंट है खुद में भी ये जिस तरह हम फिल्म बना रहे हैं ये वाली. सो इट्स अ स्टोरी दैट नीड्स टू बी टोल्ड. बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है, लैंडमार्क इवेंट है हमारी कंट्री के लिए एंड यू नो मे बी अ लॉट ऑफ पीपल इन आर कंट्री डोंट नो अबाउट दैट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे हियर दिस स्टोरी एंड वी आर हैप्पी दैट वी पुटिंग इट आउट देयर. ओके जॉन, आखिरी सवाल है. जी जी, लोकेश ने इशारा कर दिया है. अगर किसी एक शख्सियत को फिल्म दिखाना चाहे यू नो from somebody from the political background or from the body, who would be that person and why you think so? There's a need, the story need to be told, you know, at least to the young generation who should know about how the Parmanu happened. Yeah, I want to show it to the audiences, not to any person from the political background. So I'd like to show it to the audiences, but definitely hamare jo politicians hai, they will be very excited to see this film. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.